बिल्कुल हम सारे करेंगे जी। खैर इसको बंद करके आप बात। अच्छा बंद कर। ये मामला डेफिनेटली जो पीडीएम की सतह पे भी अब उठाया जाएगा दोबारा। आप अपनी सेहत ये तो बहुत ही रखने की तशवीश की बात है कि इसके ऊपर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो अगला खिताब कब कर रहे हैं आप? 800 कुछ सुना क्या? देखिए जो रैलीज हो रही है उसमें यार साहब का जो बयान है उसके ऊपर क्या कहेंगे? बता दिया हमारा तो आपने पढ़ लिया होगा सुन लिया होगा। फवाद चौधरी का एक बयान जो ट्विस्ट किया जाता है बयान को कि जी वो जो कहा नहीं है वो जो करके उसको किया जा रहा है, जो जैसे पहले भी हुआ है कि जो चीज़ कही नहीं होती उसको उछाला जाता है। तो हुकूमत खासतौर पर इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि जो चीज़ें हैं उनको बजाय नेगेटिव जा रही हैं उसके हवाले से। के लिए इमरान खान साहब खास तौर पे खुद से हिदायत दे रहे हैं, जो खबर भी आई है कि वो इसको उछालें। मैं समझता हूँ कि इस सौगात को जितनी जल्दी हो सकता है इसको वापस ले लें, वरना मुल्क के लिए मसाइल बढ़ेंगे और जो इसको लेके आए उनके लिए भी मसाइल बहुत बढ़ेंगे। तो जिसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं, और जितनी तखीर हो रही है दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मेरा सब इसका सब चीज़ों का एक वाहिद हल कि इस सौगात को वापस लें। वो लेकर आए हैं असल में उनकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि वही ज़िम्मेदार हैं, वही लाए हैं, वही इसको लेके जाए। इसने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो तबाही फेर दी है पिछले 2-2.5 सालों में, और ये सबको नज़र आ रही है तबाही। तो मेरा ख्याल कि सबसे ज़्यादा तो उनको नज़र आनी चाहिए कि उसको लेकर आए हैं। बिल्कुल सही बात मेन। अब खुद हम सर की तरफ आएंगे, आप उसकी जो मेरी गुफ्तगू होती है उसके बारे में कोई ट्वीट्स वगैरह? जी बिल्कुल हम सारे करेंगे जी। यार इसको बंद करके आप बात। अच्छा बंद कर।